मेरे प्रिय वत्स, मैं ब्रह्मांड हूँ और मैं तुम्हारे मन को भेद सकता हूँ। मेरा यह संदेश तुम्हें संयोग से प्राप्त नहीं हुआ है, मेरे प्रिय यह संदेश मैंने तुम तक पहुँचाया है। इस संदेश को सुनते समय जो भी इच्छा तुम अपने मन में रखोगे, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूँगा, यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय, जब तुम दुखी होते हो तब तुम्हारे मस्तिष्क पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं रहता। तुम्हारे आंसू जब आंखों में भर जाते हैं तो तुम्हारा हृदय भी भर जाता है, और उस क्षण तुम सोचने लगते हो कि तुम्हारे कार्यों में कहां ऐसी कमी रह गई कि इस बार तुम्हें सफलता नहीं मिली। वास्तव में ये सच नहीं है। खुद के कर्मों को खुद ही जांचना बंद करो। हर चीज पहले से निर्धारित है, मैंने निर्धारित की है। तुम केवल एक माध्यम हो जो मेरे बताए कर्मों को अपने कर्मों के रूप में कर रहे हो। मैं तुम्हें संचालित कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे जीवन को संचालित कर रहा हूँ। जिस क्षण मैंने तुम्हें बनाया, उसी क्षण मैंने लिख दी तुम्हारे संपूर्ण जीवन की गतिविधियां। जैसे जैसे समय बीत रहा है, तुम उन्हें साकार रूप दे रहे हो। इसलिए ना कमी है तुम में, ना कमी है तुम्हारे कर्मों में। जो स्वनिर्धारित है तुम उसे कर रहे हो। आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हें प्रसन्न रहना है। परमात्मा की बताए गए राह पर तुम चल रहे हो, इस बात को स्वीकार कर लो। जो हो रहा है ना वो सुख है और ना दुख, ये बस तुम्हारा भाग्य है जो मैंने रचा है। इसे स्वीकार करो, अपने मन को शांत करो।